मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं छवि। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। शूटिंग के लिए माल्टा पहुंचे सलमान। फिल्म भारत के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग होने के बाद सलमान खान ने अब माल्टा में इसकी शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान ने शुक्रवार रात अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, खूबसूरत देश माल्टा में भारत का शूटिंग शेड्यूल शुरू हुआ। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म की शूटिंग को लेकर इससे पहले ये जानकारी शेयर की थी कि मुंबई में शूट कर लिया गया और अब तैयारी माल्टा की है। साड़ी पर टाई लगाकर पहुंची तापसी। फिल्म मुल्क की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में एक्ट्रेस तापसी पन्नू पिंक साड़ी पर लाल रंग की टाई लगाकर पहुंची। मुल्क फिल्म में तापसी वकील के किरदार में नजर आई हैं। फिल्म में अपने एडवोकेट के किरदार की कामयाबी के जश्न के लिए तापसी का ये लुक बिल्कुल सटीक था। पार्टी में ऋषि कपूर, आशुतोष राणा, ग्रेसी सिंह और नीना गुप्ता भी दिखी। वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा। नेटफ्लिक्स ने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर एक वेब सीरीज प्लान की है। सोनाक्षी को फिलहाल इसके लिए अप्रोच किया गया है और खबर है कि वो इस वेब सीरीज में काम करेंगी। इस वेब सीरीज का जॉनर क्या होगा और ये किस तरह की कहानी होगी, इसको लेकर अभी कुछ भी रिवील नहीं किया जा रहा है। मेलबर्न में मलाइका का जादू। मलाइका अरोड़ा को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में बॉलीवुड डांस प्रतियोगिता के लिए बतौर जज आमंत्रित किया गया है। मलाइका ने कहा, नृत्य मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और मैं इसके बारे में बहुत भावुक हूँ। दुनिया भर की प्रतिभा को ढूंढ निकालना मेरे जैसे नृत्य प्रेमी के लिए सम्मान की बात है। मनाली में हुई अजय तबू की सगाई। मनाली में चल रही बॉलीवुड फिल्म दे दे प्यार दे की शूटिंग का दौर जारी है। अजय देवगन व तब्बू की सगाई की तैयारियों का दृश्य फिल्माया गया। अजय देवगन ने तब्बू के लिए गाना गाया और नाराज तब्बू के मानने के बाद सगाई का जश्न का दृश्य फिल्माया गया। अजय और तब्बू के बीच फिल्माए जा रहे रोमांटिक गाने को लेकर दोनों बॉलीवुड स्टार बार बार रिटेक देते नजर आए। सोनाली से मिले अनुपम खेर। अनुपम खेर को सोनाली बेंद्रे के साथ कुछ खास वक्त बिताने का मौका मिला। अनुपम ने ट्वीट कर कहा, मैंने सोनाली बेंद्रे के साथ कुछ फिल्में की हैं। पिछले 15 दिनों में मुझे न्यूयॉर्क में उनके साथ खास वक्त बिताने का मौका मिला और मैं आसानी से कह सकता हूँ वो मेरी हीरो है। किससे प्यार करती है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी ने कहा कि वो इस समय किसी और से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करती हैं। कियारा कहती हैं, सच कहूं तो जब भी मैं किसी के साथ किसी भी रिश्ते में होंगी तो उसके बारे में मैं मीडिया को अवश्य बताऊंगी, अगर मेरा बताने का मन होगा तब। अभी मेरा पूरा लक्ष्य मेरे करियर और मेरे काम पर है। सोनाक्षी के पीछे पड़ा स्ट्रीट डॉग। जैसे ही सोनाक्षी सिन्हा एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके साथ साथ एक स्ट्रीट डॉग भी आने लगा। डॉग को अपने पीछे आते देख पहले वो तो हल्का सा घबराई, लेकिन बाद में वो उसके पास रुकी और उसे प्यार करने लगी। इतना ही नहीं, सोनाक्षी ने डॉग को कैमरा के लिए पोज देने के लिए भी कहा। बाद में सोनाक्षी सिन्हा ने डॉग को प्यार भी किया और एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इटली में फेरे लेंगे रणबीर दीपिका। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की खबरों पर मुहर लग गई है। ये जोड़ा 20 नवंबर को इटली में शादी करेगा और इस शादी में सिर्फ 30 खास मेहमान बुलाए जाएंगे। इस खबर के सामने आते ही सीनियर एक्टर कबीर बेदी ने इस कूल कपल को ट्विटर पर बधाई दी है। शाहरुख खान की सीरियल में वापसी। एकता कपूर के अगले महीने से शुरू हो रहे शो कसौटी जिंदगी की 2 में शाहरुख खान सूत्रधार बनकर नरेशन दे सकते हैं। उनका ये काम 3 एपिसोड के लिए होगा। इस दौरान वो एक एक कर सीरियल के किरदारों का दर्शक से परिचय करवाएंगे। शादी को लेके बोली आलिया। आलिया ने कहा, मैं अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देती और न ही उन पर कुछ बोलना पसंद करती हूँ। अफवाहें कुछ बोलने या जवाब देने के लिए नहीं होती हैं। आलिया ने आगे कहा, जब तक आप मेरी प्राइवेसी में नहीं घुस रहे हैं तब तक ठीक है। सच बोलूं तो मैं प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ही खुश हूं और मुझे कोई इशू नहीं है। माधुरी बनी मधुबाला। माधुरी दीक्षित ने डांस दीवाने के सेट पर गुजरे जमाने की बेहतरीन अदाकारा मधुबाला के आइकॉनिक लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की। फिल्म मुगले आजम के गाने मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयोरे के गाने में मधुबाला का जो लुक था, माधुरी ने उसे ही रिक्रिएट करने की कोशिश की है और यकीन मानिए वो इस कोशिश में पूरी तरह से सफल रही है। करीना ने रखी स्पेशल पार्टी। सैफ अली खान ने अपना 47वां बर्थडे फैमिली के साथ मुंबई में मनाया। इस बर्थडे बैश में करीना कपूर संग पूरा परिवार नजर आया। सैफ के जन्मदिन के मौके पर स्पेशल चॉकलेट केक बनवाया गया था। करीना कपूर ने सैफ के लिए जो केक बनवाया उस पर वी लव सैफू लिखवाया। अर्जुन कपूर का वेडिंग प्लान। अर्जुन ने कहा, मैं तब शादी करूंगा जब रिया और अंशुला की शादी हो जाएगी। इसमें 2, 4 या 6 साल लग सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो अर्जुन ने फैंस के लिए कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि फिलहाल उनकी शादी को लेकर खबरें नहीं आने वाली हैं। कपूर खानदान में बच्चे पैदा नहीं होते। फिल्म संजू में देखने के बाद गर्व करते हुए ऋषि कपूर कहते हैं कि कपूर खानदान में बच्चे नहीं बल्कि बाप पैदा होते हैं। ऋषि कपूर ने कहा, जिस तरह का काम रणबीर ने किया है उसको देखकर यही लगता है कि वो मुझसे आगे है। मेरे एक बेहद करीबी मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि कपूर खानदान में बच्चे पैदा नहीं होते, कपूर खानदान में तो बाप पैदा होते हैं। लेकिन इसको सुनकर गर्व महसूस करता हूं। मौनी रॉय से नाराज है करण जौहर।
मौनी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कह दिया है कि वो ब्रह्मास्त्र में एकमात्र हैं जो विलेन का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर इस बात से बेहद दुखी और नाराज हैं। सूत्रों के अनुसार करण ने मौनी को फोन करके कहा कि वो अब आगे से इस फिल्म के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगी। मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।